हर हालत में रोकना ही होगा। पॉइंट ये है कि मैं ही हूं जो उसे ला सकता हूं। रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा। पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के कल की फिल्म ने शुरुआती 10 दिनों में दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करके ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल कर लिया है। वहीं इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म किल को भी बॉक्स ऑफिस पर पब्लिक की तरफ से फुल सपोर्ट मिला है, जिसके चलते ही फिल्म ने पहले दिन से बेहतर दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर ली है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कल की के 10 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, वहीं बॉलीवुड की किल फिल्म के 2 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, और जानेंगे इन दोनों फिल्मों ने दुनिया भर से कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन दोनों फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की एक्शन पैक्ड फिल्म किल के बारे में, जिस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया है लक्ष्य लालवानी ने, और इस फिल्म में विलन के रोल में हमें देखने को मिल रहे हैं राघव जुयाल। बताना चाहूंगा दोस्तों धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले इस फिल्म में धमाकेदार एक्शन है और फिल्म की कहानी भी पूरी तरह से पावरफुल है। जब इस फिल्म को कल रिलीज किया तो पब्लिक की तरफ से इस फिल्म को जो रिव्यूज मिले वो पूरी तरह से पॉजिटिव रहे, और जो जो लोग इस फिल्म को देखकर आए सभी ने इसकी जमकर तारीफ की। तो पहले दिन तो फिल्म में नया हीरो होने की वजह से कोई बड़ी ओपनिंग नहीं मिली थी, लेकिन अच्छे रिव्यूज मिलने की वजह से फिल्म के सेकंड डे के कलेक्शन में एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। जी हां दोस्तों, अगर बात की जाए किल फिल्म के 2 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो आपको बता दें दोस्तों 30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने पहले दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 1,86,00,000 रुपए का किया, जो कि एक तरह से डिसेंट ओपनिंग थी। लेकिन दोस्तों दूसरे दिन फिल्म को अच्छे रिव्यूज का फायदा मिला, प्लस दूसरे दिन सैटरडे है यानी कि हाफ हॉलीडे, उसकी वजह से भी फिल्म को अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल चुका, और यह फिल्म अपने दूसरे दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 2,50,00,000 रुपए का कर रही है। इसी के साथ दोस्तों किल मूवी का शुरुआती 2 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 4,36,00,000 रुपए का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 5,18,00,000 रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म को ओवरसीज मार्केट में 500 स्क्रीन पर रिलीज किया था और फिल्म ने ओवरसीज से अभी तक लगभग 2,15,00,000 रुपए की कमाई की। इसी के साथ किल मूवी का 2 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 7,33,00,000 रुपए का हो चुका है। तो दोस्तों फिल्म ने 2 दिनों में तो अच्छी खासी कमाई कर ली है फिल्म के स्टार कास्ट के हिसाब से। अब देखते हैं कल है सैटरडे, तो कल इस फिल्म के कलेक्शन में कितनी बड़ी उछाल आती है और फिल्म आखिर बॉक्स ऑफिस पर फाइनल कमाई कितनी कर पाती है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें 2024 की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म कल्कि के बारे में, नाग अश्विनी के डायरेक्शन में बनी एक्शन पैक्ड फिल्म कल्कि, जिस फिल्म में हमें देखने को मिले थे पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास और उनके साथ नजर आए थे अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, दिशा पाटनी और कमल हासन। बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म का बजट 650 करोड़ रुपए और इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा 5 भाषाओं में रिलीज किया था और फिल्म ने सिनेमाघरों में आज पूरे कर लिए हैं 10 दिन। और दोस्तों 10 दिनों के अंदर फिल्म ने हर एक भाषा में पूरी तरह से शानदार कमाई की और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट का टैग हासिल कर चुकी है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें कल की फिल्म के 10 दिनों के टोटल कलेक्शन की, तो सबसे पहले जान लेते हैं फिल्म के हिंदी कलेक्शन, उसके बाद बात करेंगे फिल्म के 5 भाषाओं के टोटल कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों कल की फिल्म ने शुरुआती 8 दिनों के अंदर ही हिंदी नेट कलेक्शन 163,25,00,000 रुपए का किया था, वही 9वें दिन फिल्म का हिंदी मार्केट का कलेक्शन 10 करोड़ रुपए रहा। हालांकि 10वें दिन इस फिल्म के कलेक्शन में फिर से एक ग्रोथ आ चुकी है और फिल्म आज यानी कि अपने 10वें दिन हिंदी नेट कलेक्शन 11,50,00,000 रुपए का कर रही है। इसी के साथ दोस्तों कल्कि का शुरुआती 10 दिनों में हिंदी नेट 184,75,00,000 रुपए का हो चुका है, तो हिंदी ग्रोस 219,63,00,000 रुपए। वही अब अगर बात करें फिल्म के 5 भाषाओं के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म ने 8 दिनों में दुनिया भर से 774 करोड़ रुपए की कमाई की थी, वही 9वें दिन फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 32 करोड़ रुपए का रहा था। अब दोस्तों आज यानी कि 10वें दिन इस फिल्म के कलेक्शन में फिर से हिंदी के अलावा साउथ लैंग्वेजेस में भी एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिली और ये मूवी अपने 10वें दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़ का कर रही है। और इसी के साथ कल्कि फिल्म का 10 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दुनिया भर में 856 करोड़ रुपए का हो चुका है। जी
किया दोस्तों। फिल्म दुनिया भर में 10 दिनों के अंदर 850 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है। अब देखते हैं दोस्तों, कल है संडे तो कल इस फिल्म के कलेक्शन में बड़ा ग्रोथ आएगा, लेकिन इस फिल्म का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब 1000 करोड़ के आगे और कितना जाता है ये तो मंडे के बाद ही पता चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, कल की फिल्म 1000 करोड़ के आगे और कितनी कमाई करेगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।